एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए कैट देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा और कौन कौन से बैकअप ऑप्शंस आपको रखने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तीन सवाल हमें अपने आप से पूछने हैं। पहला, कैट के अलावा और एंट्रेंस एग्जाम्स किस किस को देने चाहिए। सेकंड, उन एग्जाम के नाम क्या हैं, कौन कौन से एग्जाम्स हमें देने चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन एग्जाम्स की डेट्स क्या है, डेडलाइन क्या है, कब एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो स्टूडेंट जो रीअटेम्प्ट कर रहे हैं कैट, मतलब पहले कभी दे चुके हैं, ये उनका सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, और उनको कैट का फोबिया है कि नहीं यार मेरे को कैट के अलावा और कोई भी एग्जाम दे दूं मैं चल जाएगा, बट कैट मेरे को नहीं देना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हो, एक्सएलआरआई, आईएसबी, आईएमटी, इसमें जाना चाहते हो, तो फिर आपको कैट के अलावा और भी एग्जाम्स देने पड़ेंगे। बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने चाहिए। देखो यार, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, एक जैट आप जरूर दो, एक स्नैप एग्जाम दो और एक एनमैट दो। ये तीन एग्जाम्स देने के बाद आप 180 से ज्यादा कॉलेजेस में एलिजिबल हो जाते हो। जैट एग्जाम 7 जनवरी 2024 में होगा। सबसे बेस्ट बात यह है, इसमें कोई भी एकेडमिक कट ऑफ नहीं है, मतलब अगर आपके 50% भी है क्लास 12 में तब भी आप जैट के लिए एलिजिबल हो। स्नैप एग्जाम की 3 डेट्स हैं, 10, 17 एंड 22 दिसंबर। एनमैट एग्जाम में भी आपके पास स्लॉट्स होते हैं जो 10th अक्टूबर से लेकर 19 दिसंबर तक चलने वाले हैं। इनमें से किसी भी डेट को आप सिलेक्ट करके एनमैट दे सकते हो। ऐसी और एमबीए रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना।